इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें आईटी यानी कि टोटल करंट का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यहां से बहने वाली टोटल करंट हमें ज्ञात करनी है। तो इस सर्किट में टोटल करंट ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम इसे हल करेंगे। तो हम इसे सर्वप्रथम यहां से हल करेंगे। हम इस पॉइंट को यहां से उठाकर यहां पर जोड़ेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, इसीलिए हम इस ब्रांच को यहां से यहां पर लगा सकते हैं। तो हम इस ब्रांच को यहां से यहां लगाकर रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को। हमने डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया है। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि R2 और R3 दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ चुके हैं। तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में सोल्व करेंगे। तो पैरेलल में सोल्व करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, जब दो समान मान के प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उन्हें हल करने के लिए हम सूत्र का यूज करते हैं R। नेक्स्ट हमारे पास 6 रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं, तो हम 7वां रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। R7 बराबर R/N, R रेजिस्टेंस की वैल्यू है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, दोनों 10-10 ओम के हैं। तो 10/2 बराबर 5 ओम। तो हमने इसे हल किया। हल करने पर हमारे पास इन दोनों को सोल्व करने पर 5 ओम आंसर आ गया है, यानी कि हम इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो हम दोबारा रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर। हमने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में R7 और R4 दोनों एक दूसरे के सीरीज क्रम में आ गए हैं और दोनों का मान समान 5-5 ओम है। तो जब भी दो समान मान के या असमान मान के प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं तो उन्हें हल करने के लिए हम उन दोनों के मान को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों रेजिस्टेंस R4 और R7 को हम हल करेंगे। तो हमारे पास 7 रेजिस्टेंस प्लस हैं, तो 8वां रेजिस्टेंस R8 बराबर R4 प्लस R7 बराबर 5+5 इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम R7 और R4 की जगह एक नया रेजिस्टेंस R8 10 ओम का लगा सकते हैं। तो हम 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। हमने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। तो अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं R5, R8 और R6 तीनों के तीनों 10 ओम के प्रतिरोध एक दूसरे के पैरेलल में आ चुके हैं, और पैरेलल में समान मान के प्रतिरोध को सोल्व करने का फॉर्मूला हमारे पास है R। 8 रेजिस्टेंस है, तो 9वां रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। R9 बराबर R/N बराबर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 और टोटल रेजिस्टेंस है 3, तो 10/3 बराबर 3.33 ओम। इसका मतलब है कि हम R5, R8 और R10 की जगह एक 3.33 ओम का नया रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो नया रेजिस्टेंस लगाकर हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो हमने पहले से सर्किट को रीड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर R1 और R9 दोनों एक दूसरे के सीरीज क्रम में आ गए हैं। तो सीरीज क्रम में लगे हुए दोनों प्रतिरोधों को हल करने के लिए हम दोनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे। तो RT 10वां रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R9 बराबर 46.6 प्लस 3.33 बराबर टोटल रेजिस्टेंस आ गया 49.99। हमारे पास सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया है। तो हम इस सर्किट से बहने वाली टोटल करंट ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बार फिर इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और सवाल को हल करते हैं। हमने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर 100 वोल्ट का सप्लाई सोर्स लगा हुआ है और टोटल रेजिस्टेंस हमने ज्ञात कर लिया था 49.99 ओम। इसे हम 50 ओम मान सकते हैं, लगभग पूरा 50 ओम रेजिस्टेंस है। तो हमें इस सर्किट से बहने वाली करंट ज्ञात करनी है। तो IT बराबर टोटल वोल्टेज / टोटल रेजिस्टेंस। तुम्हारे पास वोल्टेज है 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो हमारे पास इस परिपथ में से बहने वाली धारा आ जाएगी 2 एम्पियर।